रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, पता है बच्चे कहाँ फंसते हैं? एक ही सब्जेक्ट है और वो है जीके जीएस। जीके जीएस में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। देखो 2018 में जो एग्जाम हुआ था, 2019 में, फिर 2021 में, फिर 22 में जो एग्जाम हुआ था, वहां पे मैं जा करके सेंटर पे एनालिसिस कराता था कि भाई कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है, कहाँ से सवाल नहीं बने। तो बच्चे बोले सर मैथ रीजनिंग तो सब बन गया, लेकिन जीके फंस गया, जीके पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, जीके कैसे पढ़े। तो सबसे ज्यादा सवाल यही रहता है कि जीके जीएस रेलवे के कहाँ से पूछता है और कहाँ से कवर करे। क्योंकि एक समय था कि एसपीडी और लुसेंट पढ़ के जॉब हो जाता था, सिर्फ एसपीडी और लुसेंट से। लेकिन अभी के समय में जीके का पैटर्न बदल गया है। जीके रेलवे कहां से पूछ रहा है, कैसे जीके को कवर करे, जीके और जीएस को, ठीक है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोई बना लेता है, हर किसी का बेसिक जो अगर कैलकुलेशन सही है, कंसेप्ट सही है, मतलब कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आता है। लेकिन जीके जीएस को याद रखना है, कैसे आप उसको पढ़े, ताकि एक सीमित मतलब पढ़ना है। ऐसा नहीं जीके जीएस पढ़ोगे तो समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा अथाह है जीके जीएस। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन एक मतलब स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं रीजनिंग को लेकर के बताया था और मैथ को लेकर के बताया था, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले कि मैं जब सेंटर पे जाता था, वहाँ एनालिसिस करता था एग्जाम का, तो पता चलता था बच्चे निकलते हैं बोलते हैं कि सर मैथ्स तो ठीक है, रीजनिंग तो ठीक है, लेकिन जीके फंस गया सर, जीके जी एस सर, साइंस कहाँ से पूछ रहा है जीके। तो फिर भी मैं पूछा कि कहाँ से पूछ रहा है यार, कहीं से तो पूछ रहा होगा। तो उन्होंने एक बात बोला कि सर एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है ना, अभी जो बच्चे 2018-19-21-22 में जो एग्जाम दिए होंगे उनको अच्छे से पता है, वो इस बात को बोलेंगे हाँ सर एग्जाम्पलर जो था एनसीईआरटी का, वहाँ से सवाल पूछ रहा था, एनसीईआरटी के सवाल पूछ रहा था। तो मैं ठीक है, मैं सोचा कि ठीक है चलो। बाद में मैं बहुत सारा बुक को एनालिसिस किया, फिर देखा तो पता चला भाई कौन ऐसा बुक है जहां आप एनसीईआरटी का मतलब एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास तो बहुत सारे बुक है, बहुत सारे तो मैंने बच्चों को भी दे दिए, ठीक है। तो एक बुक मैं आपको बताता था बार बार, ठीक है, ये बुक है, आप देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी नवीनतम, यहाँ पे देखो नवीनतम पैटर्न के आधार है, ठीक है। ये बुक मैं बार बार आपको बताता, देखो मैं क्यों बताता था, इसको मैं खुद एक बार देखा पढ़ा, ठीक है। इसमें आप देखोगे ना तो एकदम टॉपिक वाइज बहुत अच्छा प्रिंट है, और यहाँ पे जो एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पलर या जो भी वीवीआई मतलब है सबको इंक्लूड करके ये बुक बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, किरण पब्लिकेशन का बुक है, और मैं इसको बोलता हूँ कि ठीक है आप एक बार देख लो, खरीदना ना खरीदना वो आपकी मर्जी है, एक बार देखो इस बुक को। और अभी के समय में जो जीके जीएस पूछ रहा है, अब सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मैं एक पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ में सबसे एनसीईआरटी का जो है उसके बाद से एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम होने वाला हो। एएलपी में साइंस के कितना पढ़ना है, बहुत सारा साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब पढ़ना है। लेकिन अगर एनसीईआरटी का वहाँ इस पीडीएफ में क्या बताया गया कि आपने पिछला बार जितना टीसीएस एग्जाम लिया, कौन से चैप्टर से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा चैप्टर से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहाँ जाओगे तो उतना कवर कर सकते हो। आप तो बहुत कुछ पढ़े हो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, लेकिन कवर जो करना है, मैं साइंस से बोली वर्क एनर्जी पावर पढ़ लो, तो वर्क एनर्जी पावर में से कितना परसेंट क्वेश्चन आता है, कितना सवाल वहाँ से आता है, तो मैं बोलूँगी ठीक है 6-7%, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के इतना कवर करोगे। इसी तरह से हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने हैं, आपको आपको हिस्ट्री में, अब हिस्ट्री कहाँ पूछता है भाई, उतना हिस्ट्री नहीं पूछता, लेकिन हिस्ट्री के सवाल एनटीपीसी में 2-3-4 आते हैं, तो कितना परसेंट आते हैं। उसी तरह से जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया, जितने मतलब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बता दिया गया कि इतना इतना आप पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। तो ये बुक आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी का पैटर्न पे आधारित है और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि बेहतर है, एक बार आप देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा बुक भी है एक आपके पास, ये है, ये भी किरण पब्लिकेशन का बुक है, और यहाँ पे ये सामान्य जो सॉल्व पेपर्स हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य जानकारी, ऑल एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे का, देखिए यहाँ पे टीसीएस पीवाईक्यू पूरा कवर किया गया है, और लगभग 4000 क्वेश्चन है यहाँ पे, 37-90 प्लस क्वेश्चन है। तो ये दो बुक अगर आपके पास रहता है तो रेलवे के जीके जीएस को आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जरूर इस बुक को देखिए, और सबसे अच्छी बात है कि ये पीडीएफ को जरूर देखिए कि कितना चैप्टर में कितना कितना सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं और कितने कितने सवाल आते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।